मार्च न्यू मार्केट से सीएम हाउस तक है। प्रदेश भर में 2.5 लाख संविदा कर्मी अपनी कई मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं और अब इनके दांडी मार्च को यहां रोका गया है। सीएम हाउस तक जाने के लिए अनुमति नहीं है, पुलिस प्रशासन का कहना है। हरप्रीत रीन हमारे साथ जुड़ रही है ताजा जानकारी के साथ समय संवाददाता। हरप्रीत, क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त फिलहाल आप देख पा रही हैं? देखिए, आने वाले चुनाव की अगर बात की जाए तो मध्यप्रदेश सरकार के लिए संविदा कर्मचारी अभी खतरा बन सकते हैं। लगातार परेशानी का सामना प्रदेश के संविदा कर्मचारी कर रहे हैं और इनकी संख्या 2.5 लाख है और 36,000 वो हैं जिन्हें सरकार ने अभी कुछ योजनाएं बंद करने के दौरान बाहर कर दिया था। ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज इनका दांडी मार्च था और रॉकेटपुरा चौराहे से सीएम हाउस के लिए रवाना हुए थे, लेकिन पॉलिटेक्निक चौराहे पर इन्हें पुलिस ने रोक लिया है। हालांकि शांतिपूर्ण ये मार्च था और एक ज्ञापन देने सीएम को जा रहे थे। सीएम हाउस पहुंचने वाले थे, हाथों में इन्होंने गुलाब दे रखे थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें पॉलिटेक्निक चौराहे पर रोका है और पुलिस की माने तो उनका की इन्होंने अनुमति नहीं ली थी। हालांकि इस तरह के प्रदर्शन में पहले से ही पुलिस बल तैनात कर दिया जाता है, जो मौके पर पहुंचने से पहले ही इस तरह से प्रदर्शनकारियों को रोक लेता है। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में बात की जाए तो और ज्यादा